नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष रॉय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए कमाल के फ्रेश वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग द्वारा लॉन्च किया गया कमाल का डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के बारे में। इसे हाल में ही या फिर आज ही भारत में लॉन्च किया गया है सैमसंग द्वारा। आइए देखते हैं कितना कमाल का यह डिवाइस, यहाँ पे किस प्रकार का स्पेक्स देखने को मिलता है, इस डिवाइस की कीमत क्या है, कब से हम इसे परचेस कर सकते हैं और कैसे परचेस कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में ऑल बटन को टैप कर दें। धन्यवाद। वैसे तो डिवाइस बहुत कमाल का है जिसे सैमसंग द्वारा आज ही भारत में लॉन्च किया गया है। डिस्प्ले तो काफ़ी बेहतर है इस डिवाइस का। अगर चर्चा करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो आपको 6.7 इंचेस की एक 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी कमाल की क्लैरिटी तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रेजोल्यूशन है डिवाइस की वो आपको देखने को मिल रहा है। डिवाइस की डिस्प्ले 1080p प्लस, तो काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिलेगा। और इसी में चार चांद लगाने के लिए आपको सुपर एमोलेड पैनल भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी क्लैरिटी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिला। वैसे यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, पिक्सल डेंसिटी आपको 393 यानी कि 393 PPI देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी बेहतर है। वैसे अगर डिज़ाइन की बात करें तो लुक वाइज भी डिवाइस काफ़ी कमाल का है। वैसे तो इस डिवाइस का आपको तीन कलर देखने को मिलता है, ऑरा ग्लो, ऑरा ब्लैक और ऑरा रेड। और तीनों कलर में डिवाइस काफ़ी कमाल का, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अद्भुत देखने में लगता है। यहाँ पे डिज़ाइन तो काफी कमाल का है ही। डिवाइस में आपको एक पंच होल देखने को मिल जाता है डिस्प्ले पे, तो ओवरऑल जो आगे से लुक है वो तो काफी कमाल का अट्रैक्टिव है ही। यहाँ पे आपको 8.7 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है डिवाइस की, तो ओवरऑल ठीक ठाक सा एक पतला सा डिवाइस है। और वेट भी काफी अधिक नहीं है, आपको 199 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिवाइस लुक वाइज देखने में भी काफी खूबसूरत है, और डिवाइस की जो डिस्प्ले है, क्लैरिटी है डिस्प्ले की, वो बिल्कुल टॉप लेवल की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सुपर एमोलेड पैनल है, तो ओवरऑल यहां पे जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा इस डिवाइस के डिस्प्ले से वो बिल्कुल टॉप लेवल का होगा। एकदम बेहतर कमाल की क्लैरिटी देखने को मिलेगी टॉप लेवल की। इसमें आपको अगर बताऊं कैमरा के बारे में, तो डिवाइस का कैमरा भी काफी बेहतर है। ऐसे अगर सैमसंग की कैमरा हिस्ट्री की बात करें तो वो बिल्कुल टॉप लेवल का शुरू से ही रहा है। और खैरकर अगर सैमसंग की जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होते हैं वहां पे तो कैमरा आपको बिल्कुल उम्दा लेवल का देखने को मिलता है। वैसे आपको इस डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। तीनों आपको जो कैमरा देखने को मिलते हैं वो 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर है, एक और सेकेंडरी सेंसर, और एक जो है आपको देखने को मिल जाता है वाइड एंगल लेंस। तो ओवरऑल यहाँ पे जो कैमरा से ली गई तस्वीर होगी वो आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पे जो अपर्चर है वो है f1.7 का, तो कहीं ना कहीं नाइट में, लो लाइट में काफी बेहतर परफॉर्म करेगा डिवाइस, अंधेरे वगैरह में काफी बेहतर परफॉर्म करेगा। और डिवाइस में जो कैमरा है वो भी काफी बेहतर है, रेजोल्यूशन भी काफी अधिक है, तो फोटो वगैरह काफी कमाल का होगा ही। और कमाल की बात बताऊं तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे OIS तकनीक यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को मिलता है। तो इसके मदद से आप अपने वीडियो को काफी कमाल का बना सकते हैं, किसी प्रकार का कोई सेकनेस देखने को नहीं मिलेगा, वीडियो बिल्कुल स्टेबल शूट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिवाइस के कैमरे में एक डुअल पिक्सल ऑटो फोकस तकनीक देखने को मिल जाता है, जिसके माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपने डिवाइस के कैमरे के माध्यम से फोकस बहुत ही तेज रफ्तार से पा सकते हैं। काफी तेज आपको फोकसिंग सिस्टम यहां पे देखने को मिलता है, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस तकनीक काफी फास्ट है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहां पे तो अपर्चर आपको काफी अधिक बेहतर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन f2.2 ठीक ठाक सा है। और कैमरा जो फ्रंट का है वो 32 मेगापिक्सल का है, तो रेजोल्यूशन भी काफी अधिक है। तो ओवरऑल फ्रंट के लिए ठीक ठाक सा कैमरा, आपको बेहतर क्लैरिटी देखने को मिल जाएगा, एक बेहतर सेल्फी देखने को मिल जाएगा। और सेल्फी कैमरा जो है काफी बेहतर है, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो भी आपको एक बेहतर क्लैरिटी में ब्लॉग वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कैमरा वाइज तो काफी बेहतर है ही सैमसंग। और खैर कैमरा में अगर अंत की बात आई इमेज प्रोसेसिंग, तो वो आप जानते ही हैं, पहले से ही रूबरू है ही कि सैमसंग का जो इमेज प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल उम्दा लेवल का है। तो ओवरऑल अंत में जो आपको इस डिवाइस के कैमरे से आउटपुट देखने को मिलेगा बिल्कुल टॉप लेवल का। अगर यहाँ पे SoC या फिर प्रोसेसर की चर्चा करें तो आपको Exynos का 9810 प्रोसेसर देखने को मिलता है। Exynos जो सैमसंग द्वारा ही बनाया जाता है, ये एक ओक्टा कोर प्रोसेसर है जिसके 4 कोर क्लॉक्ड हैं 2.7 GHz पे और 4 कोर क्लॉक्ड हैं 1.7 GHz पे, Cortex A53 बेस्ड। ये एक 64-bit प्रोसेसर है, तो काफी हद तक आपको यहाँ पे एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। डिवाइस को यूज करने में जो आपका एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल कमाल का, अद्भुत होगा, ओवरऑल बेहतर परफॉर्म करेगा डिवाइस। यहाँ पे अगर
जीपीयू की चर्चा करें ग्राफिक्स की, तो आपको यहां पे मालिका G72 MP18 जीपीयू देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ग्राफिक्स वगैरह भी काफी बेहतर है, तो आप ठीक ठाक से गेमिंग भी डिवाइस में कर पाएंगे और ओवरऑल जो डिवाइस का परफॉर्मेंस होगा डेली यूजेस में वो आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको यहां पे एक बेहतर प्रोसेसर का प्रयोग किया गया इस डिवाइस में। वैसे यहां पर आपको दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी वेरियंट को कंसिडर कर सकते हैं। एक में है 6GB की रैम 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, और एक में आपको देखने को मिलता है 8GB की रैम 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। जो प्राइस है वो है 38 यानी कि 38,999 rupees 6GB रैम वेरिएंट के लिए, और जो 8GB रैम वेरिएंट है इसके लिए आपको पे करना होगा 40 यानी कि 40,999 rupees। और आपको बताना चाहूंगा इस डिवाइस को आज से आप प्रीबुक कर सकते हैं, यानी प्रीबुकिंग आज आरंभ हो चुका है, लेकिन अगर इस डिवाइस को आप परचेस करना चाहते हैं हैंड टू हैंड डायरेक्ट सेम डे, तो आपको 3 फरवरी यानी कि 3 फरवरी से यह मौका देखने को मिलेगा। आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी रिटेल शॉप पे जहां पे डिवाइस उपलब्ध होता है वहां से परचेस कर सकते हैं। 3 फरवरी से मुख्यतः इसका जो सेल है वो आरंभ हो जाएगा। तो खैर प्रोसेसर वाइज यानी कि जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल टॉप लेवल का है, डिवाइस का परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिलेगा आपको। वैसे मैं आपको बता देना चाहूंगा डिवाइस में आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि डुअल सिम डिवाइस है। आपको यहां पे बता दूं अगर जैसा कि स्टोरेज में अगर आपको पंगा देखने को मिलता है यानी कि आपको और स्टोरेज बढ़ाना है डिवाइस का, तो आप स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट यहां पे देखने को मिलता है अप टू 1 TB तक आप यहां पे एक्सपैंड कर सकते हैं स्टोरेज को। साथ ही साथ यहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जो इन डिस्प्ले है, और भी कमाल की जो लॉकिंग तकनीक है फिंगरप्रिंट वगैरह या फिर साथ ही साथ फेस आईडी वगैरह का फीचर वो भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। और कमाल की बात यहां पे डिवाइस में जो आपको साउंड देखने को मिलेगा वो काफी कमाल का होगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर अगर आप साउंड वगैरह सुनते हैं डिवाइस से, म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, वो काफी बेहतर होगा क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। और कुछ कुछ कमाल की फीचर्स जैसा कि टाइप सी पोर्ट वगैरह वो भी आपको यहां पे देखने को मिलता है, और ओवरऑल तरह तरह के सभी सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जायरो सेंसर वगैरह का भी फीचर आपको यहां पे उपलब्ध करवाया गया है। तो ओवरऑल काफी कमाल का है डिवाइस। वैसे अगर बैटरी की चर्चा करूं तो आपको 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी इस डिवाइस में देखने को मिल जाती है, और कमाल की बात क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जैसा कि आपको नोट सीरीज में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो यहां पे आसानी से कर पाइएगा, और कमाल की बात आपको एस पेन का भी फीचर इस डिवाइस देखने को मिलता है। अगर एस पेन आपको पसंद है उसका प्रयोग भी इस डिवाइस में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यह है कि ड्यूअल सिम डिवाइस है और एंड्रॉइड 10 पे कार्य करता है। तो यह रहा इस डिवाइस का फुल स्पेक्स के हिसाब से काफी बेहतर है डिवाइस, पर प्राइस भी काफी अधिक नहीं है, ठीक ठाक सा प्राइस है। अगर आप एक सैमसंग लवर हैं, आपको यह डिवाइस पसंद है यानी कि आप एस पेन वगैरह अगर आपको पसंद है और कम प्राइस में परचेस करना चाह रहे हैं तो 40,000 में आपको यह डिवाइस मिल रहा है। जो नोट 10 है वो आपको थोड़ा अधिक महंगा देखने को मिलता है। अगर आप सैमसंग के लवर हैं यानी कि आपको सैमसंग का डिवाइस पसंद है, एस पेन वगैरह आपके लिए काफी कमाल का है, डिवाइस को परचेस कर सकते हैं, काफी ठीक सा डिवाइस है और ब्रांड वैल्यू भी सैमसंग का काफी बेहतर है। और मैंने आपको बताया 3 फरवरी से आप इस डिवाइस को परचेस कर पाएंगे। तो मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं आज के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।